गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम गीता नेगी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना सो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड की मैथ चैप्टर फाइव पैटर्नस ठीक है पैटर्नस आपने देखा होगा आप लोगों की विंडो होती है ना उसमें अलग अलग तरीके से पैटर्नस बने होते हैं ठीक है जैसे मैट होगी आपकी जैसे ये मैट है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का फ्लावर बनाया है कुछ इस तरीके का कुछ इसमें बना दिया फिर इस तरीके से बनाया फिर इस तरीके से तो इसी को हम क्या कहते हैं पैटर्न बोलते हैं ठीक है थीके? या जैसे आपकी मम्मी की साड़ी होती है इस तरीके से उसमें होता है यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना गया तो ये भी क्या हो गया हमारा पैटर्न हो गया ठीक है तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे तो बिन्नी एंड गिन्नी वे आर गोइंग जो बिन्नी और गिन्नी थे वो घोर को जा रहे थे ऑन द वे दे देस सम पीपल मेकिंग द पावमेंट पावमेंट जो होता है वो जो फुटपाथ होता है उसको बोलते हैं ठीक है ठीके? तो वो देखते हैं जब वो जा रहे थे तो देखते हैं तब वो जाते हुए देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग क्या बनाए थे फुटपाथ बनाए थे द टाइल्स यूज वेयर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिजाइन तो वो जो टाइल्स यूज कर रहे थे वो क्या थे डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट डिजाइन के थे दिस इज वर्ट तेज सॉथ आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको सो करा रखा है यहाँ पे ठीक है तो आप देख रहे होंगे जो टाइल ये है इस तरीका का ये टाइल है इनका यूज करके वो फुटपाथ बना रहे हैं ठीक है तो ये वाला देख रहे होंगे आप अलग है और ये वाला पैटर्न ये वाला टाइल्स अलग हैं अब दोनों दोनों के डिजाइन भी अलग हैं और उनमें कलर्स भी अलग हैं तो क्या कर रखे हैं उन्होंने टू टाइप के टाइल्स यूज कर रखे हैं एक जो ये वाले हैं और एक ये वाले इन्हीं को यूज करके उन्होंने अलग अलग तरीके से ये फुटपाथ बना रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से तो ये भी क्या हो है एक पैटर्न हो रहा है इनका पैटर्न बन रहा है ठीक है ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर साड़ी हैंगिंग ऑन अ रोप इट आल्सो हैड अ नाइस डिजाइन विथ डिफरेंट कलर्स अब वो देखते हैं जो उनकी मदर की साड़ी है वो जो रस्सी में उन्होंने हैंग कर रखी है तो उसमें भी वो क्या देखते हैं कि उसमें भी डिफरेंट कलर के डिज़ाइन एंड कलर का यूज़ किया है तो ये भी क्या बन रहा है एक पैटर्न जैसा बन रहा है ठीक है जैसे डिजाइन हो गई ये देखो ये अलग डिजाइन है ये अलग है ठीक है ये इस तरीके से डिजाइन है और कलर्स भी अलग अलग यूज करके उसको ये इस तरीके से बना इस के इस तरीके से ऐसे फिर ऐसे फिर बीच में इस तरीके से कुछ रेड और येलो कलर के विन डॉट्स जैसे दिए हैं ठीक है थीके? इस तरीके से कर रखा है ठीक है तो ये भी क्या हो रहा है एक पैटर्न बन रहा है नेक्स्ट है इन द इवनिंग दे वर प्लेइंग इन अ पार्क दे शो आयरन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री वॉल तो शाम को जब पार्क में जाते हैं खेलते पार्क में खेलते हैं तो वो देखते हैं जो उसकी बाउंड्री की वॉल है वहाँ पे देखते हैं कि उसमें कुछ आयरन की ग्रिल बना रखी है ठीक है तो लुकिंग एट द ग्रिल्स बिन्नी सर तो बिन्नी जब उनको देखती है तो वो कहती है इसी तरह की सेम क्या करें हमारे घर में जो विंडो है उसमें भी ये पैटर्न इसी तरह के पैटर्न का यूज कर गए लेकिन वो क्या है थोड़ा डिफरेंट तरीके से है तो आप डिफरेंट कैसे देखेंगे आप लोग ठीक है जैसे ये है ये ये एक ग्रिल्स है पूरी ठीक है तो इसको किस इस तरीके से करें खड़ा करके कर रखा और यहाँ क्या कर रखा है जो उनके घर में विंडो में है वो इस तरीके से लेकिन लेकिन क्या है डिफरेंट तरीके से कर रखा है वी सी मैनी सच पैटर्न अराउंड एस ऑन टाइल्स क्लोथ टैरी तो अब आप लोगों को देखना है कि जब आप आस पास देखेंगे तो क्या होता है बहुत सारी टाइल्स होती हैं क्लोथ्स में बनी टाइल्स में होती है डिजाइन पैटर्न्स बने होते हैं क्लोथ्स में पैटर्न्स बने होते हैं दरी जो आपकी मैट होती है उनमें भी क्या होती है अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को आज ये घर में देखना भी है ठीक है कि किस किस तरह के कि आपके इसमें पैटर्न्स का यूज किया गया है भोलू हैज़ अ पार्ट ऑफ द दॉल ऑफ बिन्नीस मदर hmm. अब भोलू क्या है कुछ पार्ट अब उसकी मदर के जो सॉल होता है उसका कुछ पार्ट खा लेता है लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिन्नी इन मैचिंग विच पीस इज ऑफ द सेम पैटर्न अब उसको क्या करना है हेल्प करनी है आप लोगों को बिननी की कि मैच कर सके ठीक है तो अब जो ये वाला पार्ट है ये इसने खा दिया इसने खा दिया है ठीक है अब इसके पास क्या है फोर पैटर्न दिए हैं अब इसको हमें देखना है कि कौन सा आएगा तो हमें मैच करना है ये वाला होगा ये क्या है पहले हमें इसे देखना है तरीके से तो क्या कर रखा है ये सेम फोर हैं लेकिन वो सब साथ में है तो इसमें साथ में है नहीं है इसमें भी सारे साथ में है लेकिन इस तरीके से नहीं है ठीक है फोर साथ में नहीं है अलग अलग तरीके से इसमें इसमें भी फोर हैं लेकिन सारे अलग अलग हैं तो कौन सा बच्चा ये और सारे कट हो जाएंगे बच्चा कौन सा ये वाला जब तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसको तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये लास्ट वाला जो पैटर्न है वही यहाँ पे आएगा ठीक है इस तरीके से नेक्स्ट चलते हैं माधव वांट्स टू मेक अ पैटर्न ऑन अ गेट यूजिंग दिस तो माधव क्या कहता है पैटर्न बना रहा है गेट का ठीक है वो पैटर्न का यूज करता है कैन यू गैस विच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्मेड विथ दिस तो अब आप आपको गैस करना है कि इससे क्या नहीं बन सकता है ठीक है तो ये जो दिया है ये पैटर्न ठीक है तो ये बनेगा हाँ ये तो इसी की तरह है ये बन सकता है ये बनेगा ये नहीं बन सकता है क्योंकि क्या है इसकी जो ये है ये नीचे हैं और इसका क्या है बीच में है ठीक है और जब सीधा करके भी देखेंगे तब भी ये नीचे ही है ये बन सकता है नहीं क्योंकि इसकी एक साइड का नहीं है ये भी नहीं बन सकता ये बन सकता है हाँ ये क्योंकि ये एक खड़े में कर रखा फिर में फिर खड़े। इस से। लेकिन है फिर पैटर्न तो अब आपको कंप्लीट करना है ठीक है टू आपको करके दे रखे है तो थर्ड में आपको करना है ठीक है तो ये देखेंगे आप ये इस तरीके से अलग अलग कलर का कर रखा है ठीक है तो आपको क्या करना है जैसे ये है फिर पर्पल है फिर येलो है फिर पर्पल फिर आपको पर्पल करना है फिर येलो फिर पर्पल फिर, फिर येलो ठीक है फिर इस तरीके से बनाना है आपको फिर ये बनाएंगे आप इसको आप येलो वो करेंगे फिर ये इस तरीके से ये ठीक है तो ऊपर वाले में आपको क्या करना है ग्रीन करना है नीचे में आप ये वाला सेम कलर करेंगे फिर आपका ये है फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे आप येलो करेंगे फिर पर्पल फिर येलो फिर पर्पल फिर, पर्पल, फिर येलो फिर पर्पल ठीक है ये तो बहुत आसान है ये आप कर सकते हैं नेक्स्ट है लीफी पैटर्न यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न सी दिस फाइव लीफी पैटर्न तो अब यहाँ पे कुछ लीव ले रखी हैं एक ही लीव ले रख एक ही लीव को अलग अलग तरीके से पैटर्न बना रखा है ठीक है पहले में क्या, क्या कर रखा है देखेंगे आप इस तरीके से फिर ये नीचे को आ गया फिर ये इस तरीके से फिर इस तरीके से अब यहाँ क्या कर रखा है एक 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 सीधी एक तीछी, एक तीछी, एक तीछी, एक सीधी सीधी तिरछी तिरछी अब इसमें क्या कर थोड़ा फिर इधर को इसका फेस को 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 कर रखा है इस तरीके से देख रहे होंगे आप ठीक है तो अलग अलग तरीके से एक ही उससे अलग अलग पैटर्न बना रखे हैं नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न विथ एरो इन यूर नोटबुक तो एरो से आप कुछ भी पैटर्न से आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं ठीक है थीके? जैसे हमने एक ऊपर को कर दिया एक नीचे कर दिया एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से या टू ऊपर को हो गए हमारे टू नीचे को हो गए फिर टू ऊपर फिर टू नीचे इस तरीके से आप कुछ पैटर्न आपको भी बनाने हैं आप अपनी नोट में बनाएगा लुक एट द पैटर्न एंड फिर अब द बॉक्सेस लुक पैटर्न देखना है फिर आपको उसको फिल करना है ठीक है पैटर्न्स को देखेंगे पहले ये देखो रेड है फिर इस तरीके से सर्कल में फिर स्क्वायर में फिर सर्कल में फिर स्क्वायर में तो आप फिर सर्कल में स्क्वायर सर्कल स्क्वायर करेंगे ठीक है सर्कल में आप रेड करेंगे उसमें या लाइट दिए टू डॉट्स थ्री डॉट फिर वन फिर टू डॉट्स फिर थ्री डॉट्स फिर वन फिर टू डॉट्स इस तरीके से बनाएंगे तो अब देखो यहाँ पे बना के टू एरो, उपर, टू एरो तो आपका हमको बनाएंगे ऊपर को फिर नीचे को फिर ऊपर फिर नीचे इस तरीके से आप एरो बनाएंगे ठीक है फिर यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है टू स्क्वायर टू सर्कल छोटे छोटे बनाए डॉट जैसे तो आप इस तरीके से इनको कंप्लीट करेंगे नाउ यू आल्सो मेक पैटर्न यूजिंग डिफरेंट देम टू आपको क्या करना है अलग अलग पैटर्न्स बनाने लेकिन किसके आपको वो सेप्स के बनाने हैं ठीक है नंबर पैटर्न अब आ गया आपका नंबर पैटर्न लेट अस लुक एट सम पैटर्न्स विद नंबर्स नंबर्स फिल द द इन टू ऑफ ईच पैटर्न अब आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए गए हैं कुछ आपके लिए छोड़ दिए गए हैं ठीक तो है तो वन टू मिस है थ्री फाइव सेवन अब क्या आ जाएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम नाइन यानी कि वन वन हमने उसमें ऐड कर दिया वन में वन ऐड कर दिया तो थ्री थ्री में वन ऐड कर दिया फाइव सॉरी क्या कर दिया है वन के बाद टू मिस कर दिया थ्री लिख दिया थ्री के बाद फोर मिस कर दिया फाइव फाइव के बाद सिक्स मिस कर दिया सेवन ठीक है सेवन के बाद वन मिस कर दिया तो फिर नाइन इस तरीके से यहाँ पे ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी फिर क्या आ जाएगा हमारा एटी अगर आप आग आई को बनाना चाहते हैं नाइन्टी हंड्रेड वन हंड्रेड टेन इस तरीके से भी आपका यहाँ बन सकता है ठीक है इस तरीके से करेंगे आप इसको आगे को भी बढ़ा सकते हैं आपकी मर्जी है नेक्स्ट है हमारा ट्वेंटी सेवन थर्टी थर्टी थ्री थर्टी सिक्स आप क्या आएगा नेक्स्ट ठीक है ट्वेंटी फोर में टू ऐड कर दिया तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन थ्री एड कर दिया तो ट्वेंटी फोर में थ्री ऐड कर दिया ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन में थ्री ऐड कर दिया थर्टी थर्टी में थ्री ऐड कर दिया थर्टी थ्री थर्टी थ्री में थ्री ऐड कर दिया थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में थ्री ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा थर्टी नाइन तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे थर्टी नाइन इस तरीके से उसके बाद है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी तो इसमें क्या हो रहा है फाइव का टेबल भी हो रहा है और फाइव फाइव ऐड भी कर सकते हैं थर्टी में फाइव ऐड कर दिया थर्टी फाइव फोर्टी में फाइव ऐड कर दिया फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में फाइव ऐड कर दिया फिफ्टी फाइव इस तरीके से आप करेंगे और अगर लंबा बनाना चाहते हैं तो आय को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से फिर इसके बाद ये जंप कर रहा है वो ठीक है वो तो क्या कर रहा है टेन टेन उसमें जम्प कर रहा है टेन नंबर पे ठीक है तो क्या करेगा यहाँ से टेन किया ट्वेंटी एट आया तो ट्वेंटी एट तो में से हम टेन माइनस कर देंगे क्योंकि हमें पहले वाला बताना है ना तो क्या आ जाएगा एट और यहाँ जाएगा वन यानी कि वो एटीन से ट्वेंटी में, में तो कितना आ जाएगा सेवनटी तो एट तो इस तरीके से वो जंप करते जा रहा है टेन टेन उसमें ठीक है नेक्स्ट है हमारा रीड एंड राइट व्हाट कम्स नेक्स्ट पहले आपको देख रीड करना है इसको फिर उसके बाद राइट करना है ठीक है पहले देख लीजिए आप ए ए पी बी सी सी तो फिर क्या जाएगा टी डी ए की लेटर अल्फाबेट को उसने दो दो बार लिखा है फिर ए बी सी डी ई एफ ठीक है ए बी आता है एक साथ सी डी ई एफ फिर क्या जाएगा जी एच ठीक है फिर डे नाइट डे फिर क्या जाएगा हमारा नाइट फिर डे फिर नाइट फिर डे ठीक है फिर ऐसे वन टू वन टू वन टू वन टू आपको करना है एटी सेवन एटी नाइन एटी एटी एट एटी नाइन ठीक है तो आगे वो बढ़ रहे हैं बढ़ता जा रहा है वो एट फिर क्या जाएगा नाइन्टीन नाइन्टी वन इस तरीके से आगे बढ़ेगा ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिर क्या जाएगा फिफ्टी सिक्सटी इस तरीके से आगे बढ़ेगा नाइनटीन ट्वेंटी नाइन थर्टी नाइन फोर्टी नाइन इस तरीके से आप बढ़ाएंगे टू फाइव एट अब आपको देखना है इसके बीच में कितना अंतर है ठीक है तो टू में थ्री ऐड कर दिया तो कितना आ गया फाइव फाइव में थ्री ऐड कर दिया तो एट एट में थ्री ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा इलेवन ठीक है इस तरीके से आप इनको करेंगे आप कुछ पैटर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको ठीक है ऐसे ही कुछ पैटर्न्स लीव्स अरेंज नाउ यू आल्सो कलेक्ट सम लीव्स तो आपको भी कलेक्ट करनी है एंड उसमें यूज करके बनाना है ठीक है थैंक यू